राम रस के ब्लॉग में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज मैं आया हूँ उदयपुर के जगदीश मंदिर, तो चलो चलते हैं और आज आपको उदयपुर का जगदीश मंदिर दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, अब हम मंदिर के अंदर एंटर होने जा रहे हैं। येलो गाइस, येलो। तो कुछ इस तरीके का है जगदीश मंदिर। तो गाइस, कुछ इस तरीके के मंदिर पे प्यारी प्यारी सी, देखो कितनी प्यारी प्यारी सी हाथी और जैसे मूर्तियां बनी हुई है। ये डिजाइन है सारी हाथ से बनी हुई है। और आप देखो गाइस, कितना भव्य और कितना बड़ा मंदिर है ये। तो इसकी एक बार मैं आपको सारी जानकारी देता हूँ। रुको, कितनी प्यारी प्यारी डिजाइन बनाई हुई है और कितना बड़ा मंदिर है ये। यह देखो गाइस, ये देखो, इतना ऊंचा मंदिर है, इतना बड़ा मंदिर है। और अब मैं आपको इसको चारों तरफ दिखाता हूँ। मंदिर मारू गुजराना का स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। और ये इस मंदिर का निर्माण 1651 में हुआ था और इसमें विष्णु जी की मूर्ति स्थापित है। तो चलो चलते हैं गाइज, इस मंदिर को आपको दिखाते हैं, आ जाओ। तो कुछ इस तरीके से आप ये प्यारा सा खूबसूरत सा मंदिर देख पा रहे हो। इस पे जो डिज़ाइन है ना गाइज, इस पे जो ये आकृति बनी हुई है, देखो कितनी प्यारी प्यारी। और कितने, मैं सोच रहा हूँ कैसे बनाई होगी यार गाइज, कैसे बनाई होगी देखो। तो गाइज अब चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दिखाते हैं मंदिर अंदर से। हम मंदिर पे जब ऊंचाई पे हम आ जाते हैं और आपको मंदिर के ऊपर से कुछ इस तरीके से नज़ारा दिखता है। कैसा लगा गाइज आपको जगदीश मंदिर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहे राजस्थान वाला रामरस के साथ।